नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां आम आदमी पार्टी व समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और नरेंद्र मोदी हाय हाय मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है आदि के नारे लगाए। इस अवसर पर प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी हार रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव घोषित होते ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दिया ताकि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार न कर पाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल भारत के लोगों के दिलों में बसते हैं, हर गरीब के बेटे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को कैद किया जा सकता है लेकिन उनकी सोच को कैद नहीं किया जा सकता। ये गिरफ्तारी भाजपा ने इलेक्ट्रोल बांड के अपने घोटाले को छुपाने व पर्दा डालने के लिए कराया है। मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा है प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने, आप सुनिए। हम सारे लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता जन नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के कल रात में जिस तरह से ईडी ने बिना किसी सबूत शहादत के उनके घर में घुस करके उनकी गिरफ्तारी किया है और सत्तारूढ़ दल के इशारे पर किया है, उसके विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और अपना आक्रोश यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं इस सरकार के खिलाफ। और जो हकीकत है इस घटना के पीछे वो इलेक्टोरल बांड है, वो बांड जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया और SBI से कहा कि वो सारे नाम 24 घंटे के अंदर हमारे सामने होने चाहिए जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को और अन्य दलों को चंदा दिया हुआ है। SBI भागने लगी, आप सारे पत्रकार साथी हैं जान रहे हैं, जनता भी जान रही है। पुनः डंडा सुप्रीम कोर्ट का चला और कल SBI ने उन सारे नामों का खुलासा कर दिया जिसमें आश्चर्यजनक रूप से तमाम नाम इस तरह के आए जिनको देखकर आम जनता के पैरों तले जमीन खिसक गई। आम जनता को इस धोखे का अंदाजा नहीं था, अंदेशा नहीं था। एक नाम मैं आपको बता दूं कि जो शराब घोटाले की बात करने वाली कंपनी थी वो मोदी जी के चरणों में इलेक्टोरल बांड समर्पित कर चुकी है और समर्पित करने के बाद आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। इस तरह के तमाम लोग हैं जिन्होंने चंदा अरविंद मोदी जी को दिया इलेक्टोरल बांड के माध्यम से, और ये सारे भ्रष्टाचारी जिनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई कर रखी है, जिनके खिलाफ तमाम तरह की कार्रवाइयां हुई हैं, वो सारे लोग जब मोदी जी को चंदा दे देते हैं तो कार्रवाई बंद हो जाती है। तो सारे फर्जी कंपनियां जब मोदी जी को चंदा दे देती हैं तो उसकी कोई जांच नहीं होती है, वहां पर ईडी ताला लग जाता है। और अरविंद केजरीवाल जो नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चला रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूल बना रहे हैं, अच्छे अच्छे अस्पताल बना रहे हैं, लोगों का फ्री इलाज करा रहे हैं, माताओं बुजुर्गों बहनों को यात्रा करा रहे हैं, धार्मिक यात्राएं करा रहे हैं, अच्छे फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, अच्छी तरह से हमारी बहनों को पूरी दिल्ली में फ्री यात्रा करवा रहे हैं कि जाओ जहां तक जाना है जाओ, जा करके वहां पर अपना काम करके सरकार तुमसे आने जाने का पैसा नहीं लेगी। ऐसे आदमी को आप फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार करवाते हैं ईडी के माध्यम से। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो आगामी लोकसभा का चुनाव है इसमें कोई दल ना दिखाई पड़े, आपने कांग्रेस का आपने खाता सीज कर दिया। कांग्रेस जैसी पार्टी जो इस देश की आजादी में उसका पूरा योगदान रहा है, मुख्य विपक्षी दल है जिसके पास 20% वोट है पूरे देश में, उसका खाता सीज हो जाता है और संवैधानिक संस्थाएं मौन है। तो ये जो तानाशाही की तरफ मोदी जी बढ़ रहे हैं और जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को ये प्रश्रय दे रहे हैं और अपनी पार्टी भ्रष्टाचार के धन से चला रहे हैं और खास करके हम आम आदमी पार्टी के लोगों पर जिस तरह से प्रताड़ना का क्रम इनका चल रहा है, आज उसके खिलाफ हम सारे लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे देश में सारे विपक्षी दल के लोग, ये मोदी जी को नहीं जानकारी रही होगी कि इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी तादाद में जितने भी विपक्षी दल है वो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के मुद्दे पर सारे लोगों का ट्वीट आया हुआ है, सारे लोग विरोध कर रहे हैं। और मोदी जी इस बार आएंगे 2024 में, उनकी मंशा है कि कोई सामने लड़ने ना पावे, लेकिन ये भारत है साहब, यहाँ पर लोकतंत्र का इतिहास काफी पुराना है और लोकतंत्र में जब जनता खड़ी होती है तो बड़े बड़े तानाशाह धारेशाही हो जाते हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी ये अपील जनता निश्चित तौर पर सुनेगी। क्या होगा अगला कदम? अगला कदम हमारा ये जो हमने जनता के समक्ष आकर के आज प्रदर्शन किया है, अब हम गांव-गांव में जाएंगे, लोगों को इस संदेश को लेकर के उनसे बातचीत करेंगे, उनको जागरूक करेंगे और मोदी जी की हकीकत बताने का काम करेंगे।